Hello everyone, I am Patil Yogesh Ashokrao. I have secured All India Rank 63 in CSE 2019 and All India Rank 231 in CSE 2018. This video is about the strategy for 2021. कैसे प्रिपरेशन करें, क्योंकि कैसा है, the prelims is on 27th of June, तो what should be our strategy in this next 9-10 months? हमारी स्ट्रैटेजी कैसी रहनी चाहिए, ओके? ऑल्सो कंसिडर दिस, आफ्टर 27th ऑफ जून योर मेंस, इट इज ऑन 17th ऑफ सितंबर, सो आई थिंक 17, सो यू हैव गॉट ओनली 72 डेज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेंस, डोंट फॉरगेट दिस थिंग. आपके पास सिर्फ 72 दिन है, तो चलो मान लो आप प्रीलिम्स उसके बाद एक दो दिन टाइम पास भी कर दो, सिर्फ 70 दिन है आपके पास मेंस प्रिपरेशन करने के लिए, तो ये भी बातें आप ध्यान में रखिए, ओके? तो ये हम सीखेंगे कि ये हम ट्राई करेंगे कि सारी बातें कैसे मतलब इसमें कवर की जाए, कंसीडरिंग मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स, प्रीलिम्स कम मेंस प्रिपरेशन कैसे किया जाए, बिकॉज कैसा है कि अभी नो क्लासेस आर ऑल्सो अवेलेबल, सो व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी, तो इसके बारे में हम देखेंगे. तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि फोकस ऑन योर ऑप्शनल, फोकस ऑन योर ऑप्शनल सब्जेक्ट. तो ऑप्शनल आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, ऑप्शनल का जो भी प्रिपरेशन है, इट शुड, यू शुड प्रिपेयर इट लाइक वेरी नाइसली. सो आई वुड गिव सम 3-3.5 मंथ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ऑप्शनल. तो आपका ऑप्शनल साइमल्टेनियसली चलेगा टिल 15th ऑफ डिसंबर तक. तो सितंबर इज देयर, अक्टूबर इज देयर, नवंबर एंड डिसंबर, यू कैन प्रिपेयर एनी ऑप्शनल कंफर्टेबली इन ऑलमोस्ट 100 डेज. आप 100 दिन में आपका ऑप्शनल पूरा खत्म कर सकते हो. टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स, मेक नोट्स, जैसे मैंने भी कुछ नोट्स है मेरे दोस्तों के साथ बनाई है, स्पेशली एंथ्रोपोलॉजी, ओके? फ्यू नोट्स आई मेड विथ माय फ्रेंड्स आल्सो, ओके? सो यू हैव टू कंसीडर दैट. तो आप नोट्स बनाइए अच्छे, ऑप्शनल का पूरा प्रिपरेशन एकदम अच्छे से करिए. जो भी आपका ऑप्शनल है 15th ऑफ डिसंबर तक आपका ऑप्शनल, दिन में शायद 4-5 घंटे आप ऑप्शनल को दीजिए, मिनिमम 5-6 आवर्स, 6 घंटे दे सकते हैं. जो भी ये टाइम टेबल है, इसके लिए मैंने मिनिमम ये कंसिडर किया कि आप 10-12 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो, ये कंसिडर किया है. तो आपका न्यूज़पेपर रीडिंग साइमल्टेनियसली चलेगा. आई वोंट गिव मोर देन 1.5 आवर, 1.5 घंटे से ज़्यादा तो मैं न्यूज़पेपर को अलॉट नहीं करूँगा. सो कंसिडरिंग दैट, 1.5 घंटा अगर न्यूज़पेपर के लिए भी जाता है, एंड 6 आवर्स इफ यू स्पेंड फॉर योर ऑप्शनल प्रिपरेशन, स्टिल यू आर लेफ्ट विद सम 5-5.5 आवर्स, ओके? तो हमारे पास कुछ 5 घंटे होंगे हमारा प्रिपरेशन ऑफ जीएस के लिए. तो जैसे मैंने कहा कि डिसंबर 15 तक आप ट्राई करिए कि आपका ऑप्शनल खत्म हो जाए साइमल्टेनियसली, ओके? तो बाकी हम स्टार्ट करते हैं. आई होप कि आपने अभी तक कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, बिकॉज आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, दे मस्ट हैव स्टार्टेड. तो ये स्ट्रैटेजी, इट इज फॉर दोज पीपल हु आर डेडिकेटेडली प्रिपेयरिंग फॉर एंटायर, लाइक दे आर नॉट वर्किंग प्रोफेशनल, और दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, और दे आर नॉट स्टूडेंट्स. सो इट इज स्ट्रैटेजी फॉर दोज पीपल हु आर डेडिकेटिंग देयर 12-13 आवर्स एवरी डे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द यूपीएससी. क्योंकि कैसा है दोस्तों, बहुत एग्जॉस्टिव है, एंड बिकॉज 2021 ये आपका पहला अटेम्प्ट रहेगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, राइट? सो कंसिडरिंग दैट, दिस स्ट्रैटेजी हैज बीन मेड फॉर लाइक दिस मेनी आवर्स, ओके? तो चालू करते हैं. तो मैंने ऑप्शनल का आपको बताया. नाउ स्टार्ट विद द हिस्ट्री. आप मॉडर्न हिस्ट्री से चालू कर सकते हैं, ओके? या जीएसटी के कुछ टॉपिक्स है उससे भी चालू कर सकते हैं. आई वुड स्टार्ट विद हिस्ट्री, ओके? आप हिस्ट्री से चालू कर सकते हैं आपका पढ़ाई, क्योंकि हिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा, लेकिन मेक श्योर दैट यू रीड विद एनसीईआरटीज. तो 5वीं से 10वीं तक एनसीईआरटी, बट मेक श्योर दैट डोंट रीड एनी टॉपिक्स विच इज नॉट नेसेसरी फॉर आवर सिलेबस. जैसे कि कोई एनसीईआरटी में क्रिकेट का टॉपिक है, नहीं पढ़ना, नहीं जरूरत है हमें द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, नहीं, कुछ इट इज नॉट नेसेसरी. तो सिर्फ देख लेना कि हमें जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वो स्टार्ट होता है समथिंग फ्रॉम द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, तो उस टाइम से थोड़ा बहुत पढ़ना. तो उसके लिए तो मैंने एनसीईआरटी बोली है, देन स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहिर इज देयर, देन बिपान चंद्र एनसीईआरटी इज देयर, ओके? सो यहाँ पे आप प्रीलिम्स और मेंस ऑलमोस्ट सेम बुक लिस्ट है, हिस्ट्री के लिए कोई अलग बुक लिस्ट है नहीं. GS1 में आता है हिस्ट्री हमारे मेंस में, तो उसका वही बुक लिस्ट रहेगा, ओके?
So first 30 days till maybe 30th of September, 30 September तक आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो. साइमल्टेनियसली आपका ऑप्शनल चालू है. कंसिडर दिस. ओके. नाउ व्हेन यू कंप्लीट द हिस्ट्री यू स्टार्ट रीडिंग योर पॉलिटी, बिकॉज अगेन पॉलिटी इज वेरी इजी सब्जेक्ट एंड यू कैन अंडरस्टैंड पॉलिटी इजिली. लेकिन मेक श्योर दैट अगेन यू स्टार्ट विद द एनसीईआरटी. तो 1 नवंबर 1 अक्टूबर से हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी और पॉलिटी खत्म करेंगे अक्टूबर में. तो वी विल स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड वी विल कंप्लीट द लक्ष्मीकांत ऑल्सो. हाउ टू रीड पॉलिटी देर इज सेपरेट वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल. ओके. आई विल शेयर द लिंक्स ऑफ दोज वीडियोज लाइक हाउ टू रीड इकोनॉमिक्स, हाउ टू रीड पॉलिटी, हाउ टू रीड एनवायरमेंट. आई हैव मेड वीडियोज ऑन एवरी सेक्शन. ओके. हाउ टू रीड आर्ट एंड कल्चर, हाउ टू प्रिपेयर एथिक्स. ओके. आई विल शेयर दोज वीडियोज. ओके. तो वो भी आपको हेल्पफुल रहेंगे. तो मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर फॉर दोज ऑल्सो. ओके. देन मूविंग फॉरवर्ड हम जैसे ही नवंबर में जाएंगे. ओके. इन नवंबर वी विल प्रिपेयर. हमारा जो प्रिपरेशन होगा वो होगा ज्योग्राफी का. ज्योग्राफी का सिलेबस यहां पे ट्राई करिए कि ज्योग्राफी का GS 1 में जो सिलेबस है वो पूरा खत्म करने का ट्राई करिए. ज्योग्राफी का GS 1 में जो सिलेबस है एंड ज्योग्राफी प्रीलिम्स में जो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत कम है, 2 क्वेश्चन ही आते हैं. ओके. लेकिन इसके साथ मैपिंग भी कवर कर लेना. मैपिंग के वीडियोस है यूट्यूब पे, तो रेफर टू दोज वीडियोस, रेफर टू दोज वीडियोस ऑफ मैपिंग आल्सो. ओके. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रीड दोज वीडियोस ऑफ मैपिंग आल्सो. ओके. तो मैपिंग के वीडियोस भी अच्छे से प्रिपेयर करिए. बाकी जो GS 1 का जो पोर्शन है ज्योग्राफी का वो प्रिपेयर करिए. उसके लिए दिस मृणाल्स वीडियो ऑफ राज तनिल मैम, राज तनिल सोलंकी मैम, दीज वीडियोज यू कैन रेफर. ऑल्सो जो 11th की एनसीआरटी है दैट इज फिजिकल एनसीआरटी एंड द एनसीआरटी ऑफ द दैट इंडिया एनसीआरटी एंड 12th का जो इंडिया का ह्यूमन ज्योग्राफी का एनसीआरटी है उससे आप खत्म होता है. जीसी लियोंग आई वॉन्ट रिकमेंड यू क्योंकि ये सारा पोर्शन उससे कवर हो जाएगा. तो मेन्स के लिए यू मस्ट हैव सीन कि करंट के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मेनी क्वेश्चन फ्रॉम द करंट अफेयर्स. ओके. तो वो करंट अफेयर्स के जो जो भी है तो थोड़ा सा वो भी देखा करिए. सी द पास्ट सिंस 17, 18, 19 कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं GS 1 में ज्योग्राफी का जो पोर्शन है उसके लिए. ओके. तो ये आई एम गिविंग यू अगेन 1 month फॉर दिस क्योंकि उसका मेन्स में पोर्शन ज्यादा है. बट इन दिस मंथ दैट इज इन नवंबर अलोकेट मोर टाइम टू योर ऑप्शनल प्रिपरेशन क्योंकि आप 2 महीने में आपका ऑप्शनल अच्छा चल रहा होगा इन सितंबर इन अक्टूबर. ओके. तो नवंबर में भी उसका प्रिपरेशन थोड़ा सा ज्यादा करिए. ओके. नवंबर में थोड़ा सा उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए और नवंबर में प्रिपरेशन उसका ज्यादा करिए. ओके. तो नवंबर में आपका ज्योग्राफी खत्म होगा और उसी के साथ होगा आपका ये ऑप्शनल खत्म होगा. When we are in December, December में जो है आपको 15 days में आपका ऑप्शनल खत्म करना है. Now finish your optional, get command over your optional. आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए और उसे खत्म करिए. ओके. मेक श्योर दैट यू फिनिश द ऑप्शनल. और उसी के साथ यहाँ पे कैसा करना है कि हमें यू विल प्रिपेयर सम टॉपिक्स फ्रॉम GS 3 जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी है. इंटरनल सिक्योरिटी है तो इंटरनल सिक्योरिटी जो है तो हम जैसे कि ये जो वाजीराम का येलो बुक है या PT 365 है विजन का, वो सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे. ओके. जो विजन का 365 है और वाजीराम का येलो बुक है और मैं भी कुछ नोट्स शेयर करूंगा. ओके. तो वो भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए. सो आई विल गिव सम 7-8 days. ये जो भी मैं टाइम टेबल बोल रहा हूं आपको आई विल शेयर दिस टाइम टेबल ऑन माय टेलीग्राम चैनल यूपीएससी प्रिपरेशन विद IAS योगेश पाटिल. ओके. दिस इज द टेलीग्राम चैनल एंड आई विल शेयर दिस टाइम टेबल ऑन दैट टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, ऑन माय फेसबुक ऑल्सो. ओके. तो पहले 7-8 दिन वी विल रीड द इंटरनल सिक्योरिटी, देन उसके बाद वी विल रीड द डिजास्टर मैनेजमेंट. डिजास्टर मैनेजमेंट के भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं. ओके. इन GS 3 2-3 क्वेश्चन, इंटरनल सिक्योरिटी के 4 क्वेश्चन आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के 2-3 क्वेश्चन आते हैं.
सो वी विल रीड द डिजास्टर मैनेजमेंट. ओके, ये हम वाजीराम के जो हैंड रिटन नोट्स है उससे करेंगे. एट द सेम टाइम वी विल प्रिपेयर दिस. ओके, जो बाकी के जो टॉपिक्स है वो हम ट्राई करेंगे कि जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है, आई शेयर फ्यू ऑफ माई नोट्स ऑल्सो. ओके, फ्यू ऑफ माई नोट्स ऑल्सो. ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए. तो ये हुआ हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट. ओके, देन वी विल प्रिपेयर फ्रॉम 15 to 31st ऑफ डिसंबर. क्योंकि अभी हमारा ऑप्शनल खत्म हो चुका है, तो 15 to 31st ऑफ डिसंबर वी विल प्रिपेयर, हम प्रिपेयर करेंगे हमारा इकोनॉमिक्स. अभी यहां पे मेक श्योर दैट इकोनॉमिक्स जो है जीएस थ्री में भी है. जीएस थ्री जो है हमारा इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी है, तो वी विल प्रिपेयर दैट ऑल्सो. तो हम प्रीलिम्स का भी प्रिपेयर करेंगे और मेंस का भी प्रिपेयर करेंगे. ये हम प्रिपेयर करेंगे सिर्रा मायस से. सिर्रा मायस का बुक हमें बहुत हेल्प करेगा प्रीलिम्स के लिए. प्रीलिम्स के लिए कुछ मृणाल का पोर्शन भी हेल्पफुल रहेगा, लेकिन मेंस के लिए जो है इकोनॉमिक सर्वे, बजट डॉक्यूमेंट, देन हैंड रिटन नोट्स ऑफ वाजीराम, देन पीटी 365 ऑफ विजन. तो जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो लास्ट ईयर का जो पीटी 365, अभी जो ये साल मेंस के लिए होगा वो आप रेफर कर सकते हैं. वो पीटी 365 विजन भी रेफर करिए. देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया एट 75 डॉक्यूमेंट ऑफ नीति आयोग, यू कैन रेफर दैट डॉक्यूमेंट एक्सटेंसिवली. ओके, तो डिसंबर 15 तक और 1 जनवरी से 15 जनवरी तक अगेन एग्रीकल्चर जो पोर्शन है जीएस थ्री में, एग्रीकल्चर पोर्शन इन द जीएस थ्री, राइट, दैट एग्रीकल्चर पोर्शन जो है आपको भी कवर, वो भी कवर करना है. ओके, उसके लिए हम रेफर करेंगे विजन का वैल्यू एडिशन मटेरियल. विजन का वैल्यू एडिशन मटेरियल, इट इज अपलोडेड ऑन देयर साइट, वी विल रेफर दैट मटेरियल. ओके, तो वो मटेरियल रेफर करेंगे. तो 15th ऑफ जनवरी तक वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट हिस्ट्री, देन पॉलिटी, देन ज्योग्राफी आर ऑप्शनल एंड इकोनॉमिक्स. तो आई विल सजेस्ट कि ये 8-10 तारीख को कुछ मेंस उनका चालू होगा, तो शायद 8 तारीख को शायद मेंस चालू हो रहा है, 15 तारीख तक खत्म हो जाएगा. जैसे ही उनका मेंस खत्म होता है उनकी उसके बाद फ्यू टेस्ट सीरीज विल स्टार्ट फॉर 2021 पीपल. जो मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, कंसीडरिंग दैट वी हैव गॉट वेरी लिमिटेड टाइम ड्यूरिंग द प्रीलिम्स एंड मेंस, वी विल प्रिपेयर फ्यू थिंग्स बिफोर प्रीलिम्स. एटलीस्ट स्टार्ट द टेस्ट सीरीज ऑफ एथिक्स एंड एसे. एथिक्स और एसे की टेस्ट सीरीज फिनिश करिए मिनिमम, एटलीस्ट एथिक्स और एसे, क्योंकि यहां पे आपके 500 मार्क्स कवर हो जाएंगे. इफ पॉसिबल मेक श्योर दैट यू कंप्लीट द टेस्ट सीरीज ऑफ ऑप्शनल ऑल्सो. जीएस की जो मतलब मेन्स की जो टेस्ट सीरीज है, जीएस मेन्स की, जीएस की टेस्ट सीरीज आप प्रिलिम्स और मेन्स के बीच में करिए, बिकॉज उसके लिए करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट. तो आई थिंक दैट वुड बी द राइट टाइम टू जॉइन द मेन्स टेस्ट सीरीज. ओके, तो मेक श्योर दैट आइदर इथिक्स, एसे और ऑप्शनल, इसका टेस्ट सीरीज पहले कंप्लीट किया जाए. जनवरी में यू कैन जॉइन दैट टेस्ट सीरीज. ओके, फ्रॉम 16th to 31 January वी विल कंप्लीट द इथिक्स पोर्शन. जो हमारा इथिक्स है, इथिक्स की मैंने बुक लिस्ट शेयर करी है. ओके, आई हैव गिवन डिटेल्ड बुक लिस्ट फॉर प्रीलिम्स आल्सो, मेंस आल्सो ऑन माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन रेफर टू दैट. यू कैन सर्च यूपीएससी प्रिपरेशन विद आईएएस योगेश पाटिल. ओके, सो उसमें आप रेफर कर सकते हैं और वो आप पढ़ सकते हैं वहां पे. ओके, तो एथिक्स कंप्लीट करिए 15 दिनों में. एथिक्स का सेकंड ईआरसी है, डीके बालाजी है, देन अदर बुक्स आर देयर. ओके, वाजीराम का हैंड रिटन नोट्स है, यू कैन रेफर टू दोस. वो तो हुआ एथिक्स का. देन इन फेब्रुवरी, व्हेन यू आर इन फेब्रुवरी, यू हैव टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ जीएस वन का. जो इंडियन सोसाइटी हमारा रह गया है जीएस वन में, इंडियन सोसाइटी से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं. वी आर डेलिबरेटली लीविंग द गवर्नेंस पोर्शन. गवर्नेंस का पोर्शन हम प्रीलिम्स के पहले नहीं कर रहे, वी विल डू इट आफ्टर प्रीलिम्स. गवर्नेंस का पोर्शन, बट मेक श्योर दैट इंडियन सोसाइटी का पोर्शन कवर किया जाए, क्योंकि गवर्नेंस का पोर्शन जो है करंट अफेयर्स में आता है मैक्सिमम, वो प्रीलिम्स के बाद में अच्छे से हो जाएगा. ओके,
लेकिन इंडियन सोसाइटी का स्टैटिक पोर्शन है, आई विल शेयर माई नोट्स फॉर इंडियन सोसाइटी। ओके, तो इंडियन सोसाइटी के लिए जो है हम एटलीस्ट विल स्पेंड सम 8 days फॉर इंडियन सोसाइटी, तो आप इंडियन सोसाइटी कंप्लीट करिए। देन ऑल्सो टिल 8th of February इंडियन सोसाइटी हो गया GS1 का, ऑल्सो द पोर्शन ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस का पोर्शन खत्म करिए, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस से दो या तीन क्वेश्चन आते हैं मेंस में। तो यू कैन गिव सम पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए वी कैन अलॉट मे बी सम 2-3 days। सो 12th of February तक हम पोस्ट इंडिपेंडेंस खत्म करेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए विजन का वैल्यू एडिशन मटेरियल आप रेफर कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट द वर्ल्ड हिस्ट्री। 13th to 20th जो हमारा टाइम है फरवरी में, वी विल कंप्लीट द वर्ल्ड हिस्ट्री, उसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म करेंगे। सो वी आर डन विद द वर्ल्ड हिस्ट्री ऑल्सो, सोसाइटी ऑल्सो, पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑल्सो। तो पोर्शन ऑफ GS1 इज डन। ओके, फॉर द GS2 वी हैव डन द पॉलिटी। गवर्नेंस का पोर्शन हम प्रीलिम्स के बाद करेंगे, और IR जो भी है वो करंट अफेयर्स आता है, ओनली करंट अफेयर्स, तो वो अगेन प्रीलिम्स के बाद ही होगा। देन GS3 में हमने खत्म किया है पॉलिटी, हमने इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरमेंट का पोर्शन आगे करेंगे, SNT जो भी है करंट अफेयर्स आएगा, वो प्रीलिम्स के बाद में ही होगा। एंड वी हैव कवर्ड द एथिक्स ऑल्सो। सो ऑलमोस्ट ऑल द GS आर डन। ओके, सो आपका प्रीलिम्स का भी प्रिपरेशन हो रहा है, मेंस का भी प्रिपरेशन हो रहा है। ओके, सो टिल तो 20th तक हो गया। फ्रॉम 21st of February टू 10th of March, 10 मार्च तक, जैसे आपका वर्ल्ड हिस्ट्री होता है, 10 मार्च तक आपको एनवायरमेंट पढ़ना है। एनवायरमेंट हम पढ़ेंगे शंकर IAS से, और जो 12th का NCERT है लास्ट 4 टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी, ओके, वो पढ़ेंगे। एनवायरमेंट भी खत्म हो गया। देन गिव सम 15 to 20 days फॉर आर्ट एंड कल्चर, मेडिवल एंड एंशियंट। आर्ट एंड कल्चर, मेडिवल एंड एंशियंट, उसके लिए हम नितिन सिंघानिया पढ़ेंगे, एंशियंट के लिए RS शर्मा पढ़ेंगे, मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा का बुक पढ़ेंगे। इफ यू डोंट हैव टाइम फॉर मेडिवल देन लीव इट। ओके, इफ यू हैव द टाइम फॉर मेडिवल देन रीड इट, लेकिन आपके पास अगर टाइम नहीं है मेडिवल पढ़ने का, देन जस्ट लीव इट। ओके, तो हमने खत्म किया, आर्ट एंड कल्चर भी खत्म किया। सो टिल 25th of March यू विल डन विद ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो हमारा GS 1, 2, 3, 4 खत्म होता है, ऑप्शनल खत्म होता है, ऑप्शनल खत्म होता है, एथिक्स खत्म होता है, एवरीथिंग इज डन। ओके, तो 25 या 30 तारीख से 15 till 28th of March से हम प्रीलिम्स का प्रिपरेशन, मतलब 2021 का जो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन है वो चालू करेंगे। ओके, एंड उसके लिए तो अलग से स्ट्रैटेजी हम देखेंगे उस टाइम, बट कीप ऑन प्रिपेयरिंग इट। ओके, और इसके जो भी मैंने सोर्सेज दिए हैं, एवरी सोर्स, एवरी मटेरियल आई शेयर ऑन माई टेलीग्राम चैनल UPSC प्रिपरेशन विद IAS योगेश पाटिल। ओके, so I wish all the best to all of you, those who are appearing in 21. Whatever help you need, you can directly connect me on my Telegram channel. All the best to all of you. Okay, thank you.